अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे सुमन बेटा, अंशुमन बाबू, आओ बेटा, आओ, आओ, आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, सुमन के व्यवहार में जो बदलाव आया है ना, वो नंदन को बहुत परेशान कर रहा है। उसे लगा था कि सुमन उसे मनाने जाएगी, लेकिन वो तो सुल्तानगंज चली गई। ये बात भी उसे परेशान कर रही है। सुमन की मनोदशा को हमें समझना होगा बेटा नंदिनी। इस समय सुमन जिस हालात से गुजर रही है, उसके बावजूद वो बिल्कुल शांत है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही। फिर बेटा वो करे तो क्या करे। जाजी, नंदिनी का कहने का मतलब ये है कि सुमन के ना रहने पर हमें नंदन का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। नंदिनी, तुम और आरती हमेशा नंदन के इर्द गिर्द रहो, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। तिनी ताने हमें नंदन के आसपास फटकने दे तब ना। बेटा नंदिनी, तानिया को नंदन की दवाइयों के सिलसिले में देखरेख करने का जिम्मा मिला है, बाकी उसका ख्याल तो परिवार वाले लोग ही रखेंगे ना। ऐसे मुझे पता है नंदन को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। बेटा नंदन, आओ ताश खेलते हैं। एक अरसा हो गया तुम्हारे साथ ताश खेले हुए, आओ। नहीं पापा, वो मैं थोड़ा बाहर जा रहा था। अरे बाद में चले जाना, जाओ रुको सर जी। ओ हेलो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चल खेलते हैं। वैसे भी तुझे हराने में ना बहुत मजा आता है। चल ना नंदन। चल भाई, क्या सोच रहा है, चल बैठ जा। वैसे भी नंदिनी कहती है कि नंदन को हराना इम्पॉसिबल है। कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसे तो मैं यूं हरा दूंगी। अरे पहले खेले तो, उसके बाद देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। हाँ हाँ, आप तो रहने दीजिए झाजी। अरे हराना जीतना बाद में लगा रहेगा, पहले उसे खेलने तो दो। चलो बेटा खेलो। इतना अच्छा लग रहा है सबको साथ देख के। बस सुमन अनसुमन का जोड़ी आ जाता तो परिवार पूरा हो जाता। अंशुमन भी शाम तक आ जाएगा दीदी, और जब तक महन जी की तबीयत ठीक नहीं होती सुमन आ ही नहीं सकती। आपको पता है ना सुमन वहां क्यों गई है। गेम पे ध्यान दो, बाद में ये मत बोलना कि ध्यान नहीं था इसलिए हार गए। अरे ये बात बिल्कुल ठीक है, पर आप लोगों को एक बात बताऊं, नंदन का ध्यान होता है ना गेम पर बराबर, वो सिर्फ ऐसा दर्शाता है कि उसके हाथ में जो ताश के पत्ते हैं वो कमजोर हैं, लेकिन पलक झपकते ही पूरी बाजी पलट देता है। अरे मिथिलेश, हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, और नंदन सबसे बड़ा बाजीगर है। इस गेम के बहाने गेम तो शायद मेरे साथ खेला जा रहा है, लेकिन असली गेम क्या है उसका पता भी मैं लगा के रहूंगा। ये क्या बेटा, अंशुमन बाबू जैसा इतना अच्छा पति पाकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। नाना जी, सुमन कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी, आप तो हमारे घर की सारी स्थिति जानते हैं, जब तक सब ठीक ना हो जाए सुमन का यहां रहना सही रहेगा।
अरे सुमन यहाँ रहेगी तो अच्छी बात है ना, इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, मैं बस सुमन को यहाँ छोड़ने आया था, घर पे काफी सारे काम है और आजकल ऑफिस के कामों में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, चलता हूँ। अंशुमन बाबू मैं आपको रक्षा कवच बांध देता हूँ। ये क्या अंशुमन बाबू, आपका बदन तो तप रहा है, तेज बुखार है आपको? कुछ नहीं नाना जी, बस शायद थकावट की वजह से, पास में ही जाना मैं चला जाऊंगा। अंशुमन जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, हम आपको ऐसी हालत में नहीं जाने दे सकते नाना जी। सुमन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं बेटा, राय बहादुर साहब से हम स्वयं बात कर लेंगे, ठीक है? आप आराम कीजिए, आइए। नंदन प्लीज काम डाउन, इट्स ओके, आई मीन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंशुमन की तबीयत खराब हो गई इसलिए महंत जी ने उन्हें वहां रोक लिया, अब मुझे भी तो देखो ना, वो तो मेरे पति हैं, फिर भी आई एम ओके। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे? ये दवाइयां कि तुम खा लेना, तुम्हें आराम की जरूरत है, एक अच्छी सी गहरी नींद की जरूरत है, ओके? याद से खा लेना दवा। आई एम श्योर अब तुम ये दवा किसी कीमत पर नहीं खाओगे। अंशुमन जी आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए ना कितनी ठंड है, आप चलिए अंदर हमारे साथ कमरे में चलिए। कोई बात नहीं सुमन, मैं यहाँ ठीक हूँ। अंशुमन जी आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, प्लीज कमरे में चलिए ना। क्या ऐसे समय पर हम दोनों का एक कमरे में रहना सही होगा? ठीक है हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हमने परिवार वालों से प्रॉमिस किया है, क्या ये उनके साथ धोखा नहीं होगा? और फिर कुछ विधि भी है जो अभी होनी बाकी है।